जिन का प्रभा है, नूर वाला नूर की तकदीर है, ये हमारे नबूवत की ताबीज है, तेरे तेरा ही की शमशीर है, हमारे मुस्तफा की हुब हो तस्वीर है। कौन अली जिसकी विलादत खुदा के घर में, आपकी मां फातिमा बिनत असद काबे का तवाफ कर रही थी, करते से शुरू हो गया, या अल्लाह मैं क्या करूं, कहा घबराती क्यों हो, करना क्या है, मैं काबे को चीखा हूं, तू अंदर चली आ, काबा ने इस हालत में औरत काबे को हाथ नहीं लगा सकती, फरमाया तारा जहरा का वो राज दुलारा, नाना की आंखों का तारा जहरा का वो राज दुलारा, दुलारा दुलारा तू है शेर खुदा का शेर, तू है शेर खुदा का शेर, तू है शेर खुदा का शेर, जालिम हो गए सारे शेर, तू है शेर खुदा का शेर, जालिम हो गए सारे शेर, करबला में तेरा आना लाजवाब है, नारे तकबीर नारे रिसालत, जलसा यादे हुसैन, जलसा यादे हुसैन, वफा वाले और कभी भुला नहीं सकते हम उनकी कुर्बानी, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले, जरा पूरा जन्नती मजमा एक बार और तरीके सुभान अल्लाह लगाए, नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अल्लाह तो बोले, हमारे हर बच्चे को इसी कार्य का जज्बा दे, हर एक बच्चा इंशाल्लाह हमारा फिट हो जाए, जुलूस के लिए इंशाल्लाह पैनल वगैरह लगा के सारे ब्रदर्स हमारे वॉलंटियर्स जितने भी है जुलूस की शक्ल को तैयार करने में लगता है, झंडे इंशाल्लाह तरतीब में लगा ले इंशाल्लाह, नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर मैं जो लाठी के जिम्मेदार है वो थोड़ा तवज्जो फरमाए, लाठी को मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह खत्म करना है, ये मैं
नीचे नाम जाते हैं। मोबाइल देख लेगा क्या कर लेगा इंशाल्लाह ताला लाठी का जो प्रोग्राम है अभी वो 5 मिनट में खत्म होगा, इसके बाद जुलूस की कार्रवाई आगे हमें करनी है, इसकी हमें तैयारी करनी है। हमारे गुजारिश करता हूँ हमारे जितने भी बाकी की जितनी भी लाठी की जो खेली जाती है वो इंशाल्लाह ताला कोर्ट रूम में खेली जाएंगे। आगे की कार्रवाई लाठी की जो है वो कोर्ट रूम में होगी, अभी जुलूस की कार्रवाई होगी। तो जुलूस की तैयारी करने के लिए हमारे से मैं गुजारिश करता हूँ कि सभी जो है जुलूस, अब ये जो खेल होगा ये आखिर लास्ट खेल होगा, इसके बाद में हमें जुलूस में जाना होगा। बंद कर देगा रुकेगा नहीं।
कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं, शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ, शाह तैबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ। सिर्फ एक ही बात कहता हूँ जो हमें हमेशा उलमा इकराम ने अपने बयानों में समझाया है, हमने सिखाया है, हमने पढ़ा है कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई उस रोज पूरा फलक पूरा आसमान खून के रंग में लाल हुआ था, और साथ ही साथ पूरे परिंदे जानवर पेड़ ये सभी की आंखों में आंसू थे। तो याद कीजिए वो मंजर, और हमारा कौम हमारा मजहब हमें एक ही चीज सिखाता है कि हम इबादत करें, याद करें उस वक्त की इबादत, खुदा की करें, और मोहब्बत हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें। हम परचम पहन लेते हैं, जुलूस काटते हैं, लेकिन हमारा मजहब यही नहीं सिखाता कि हमें कान डॉल भी लगा के नाचे, दंगा और मस्ती करें। तो मेरे हमारे सभी भाइयों से सभी नौजवानों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि जुलूस आप आराम शांत जरूर पढ़ते हुए जाए। आपने हमें यहाँ पे दावत दी, इसकी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, तिब्रानी ने मौजूद कबीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह मन हाउलाए लदीना वजबत अलैना मौतुहुम, ऐ अल्लाह के रसूल बता भी दे वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पे वाजिब की गई है। तो मेरा आका ने शाह फरमाया, वाली व फातिमा व वलदा हुमा, अली फातिमा उनके बेटे हैं। अब जरा इनकी शान सुनो, कौन अली विलायत के शहीन शाह है, फातिमा जहरा के सर का ताज है, हसनैन का बाबा है, नूर अला नूर की तनवीर है, मेमारे नबूवत की तामीर है, गैरत इलाही की शमशीर है, सुभान अल्लाह, इमाम मुस्तफा की हूबहू तस्वीर है, सुभान अल्लाह। कौन अली जिसकी विलादत खुदा के घर में, सुभान अल्लाह, आपकी माँ फातिमा बिनत असद काबे का तवाफ कर रही थी, जब जैसे शुरू हो गया या अल्लाह मैं क्या करूं, कहा घबराती क्यों हो, करना क्या है, मैं काबे को चीरता हूँ, तुरंत नच लिया। कहा मालिक इस हालत में औरत काबे को हाथ नहीं लगा सकती, फरमाया तेरे लिए हुक्म जुदा है, क्योंकि तू भी पाक है, तेरा पैदा होने वाला बच्चा भी पाक है।
अली की विलादत खुदा के घर में, परवरिश मुस्तफा के घर में। मजे की बात यह है, अली की परवरिश मुस्तफा के घर में, मुस्तफा की परवरिश अली के घर में। पैदा हुए खुदा के घर में, परवरिश पाई मुस्तफा के घर में, शहादत पाई खुदा के घर में। तो ये मंजर बताता है कि मौला अली को तलाश करना चाहो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें अली मिलेंगे या तो खुदा के घर में या मुस्तफा के घर में। तुम्हें अली मिलेंगे खुदा के घर में या मुस्तफा के घर में। हिकमत क्या है? पैदा खुदा के घर में, परवरिश मुस्तफा के घर में। हिकमत क्या है? रब ताला ये चाहता था कि नबी की नस्ल भी पाक हो, नस्ल की असलाली भी पाक हो, नस्ल की असलाली भी पाक हो। हफीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो कौन फातिमा जिसकी मोहब्बत हम पे वाजिब है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो फातिमा तो बदा तुम मिलनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फातिमा चांद का टुकड़ा तुम्हारा बेटा, फातिमा जहरा नबी का टुकड़ा। सरकार फरमाते हैं, सुन लो कयामत तक आने वालों सुन लो, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं आबिद हूँ, ये इबादत का टुकड़ा। मैं ताहिर हूँ, ये तहारत का टुकड़ा। मैं शारे, ये शरीयत का टुकड़ा। मैं नूर, ये मेरी तलवीर। मैं कुरान, ये मेरी तफसीर है। कुरान ये मेरी तफसीर है। जो आले मोहम्मद से मानूस नहीं होता, जो जाए वो कभी जन्नत महसूस नहीं होता। जो मांगना है मांगो यारों, तेरे सहरा से इस तरह के गदा कोई मायूस नहीं जाता। कौन हसन कौन हुसैन? फरमाया हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। कोई कबीले का सरदार, कोई खानदान का? अबे ये कबीले खानदान के नहीं, जन्नती नौजवानों के सरदार। आका ने फरमाया आखिरी हदीस, बात खत्म कर दो। सरकार फरमाते हैं, अंतिमो मवत्तना फहिन्ना व मन लकी अल्लाह व हुवा यवत्तु व हुवा यवत्तुना दखल जन्नत बिशफातिना। सरकार फरमाते हैं, सुनो सुनो, जो अपन जतन से प्यार करेगा कयामत में रब से रब से मुलाकात करेगा, तो जान लो कि कयामत के दिन मैं तनहा उसकी शफात नहीं करूंगा, मैं भी करूंगा, अली भी करेगा, हसन भी करेगा, हुसैन भी करेगा। आज आशूरा मुहर्रम, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। आज के दिन को तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। बड़े से बड़े वाकयात 10वीं मुहर्रमुल हराम को पेश आए, लेकिन आज पूरी दुनिया में ये तारीख इसलिए जानी जाती है कि आज से करीब पौने 1300 साल पहले, जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद इस्लामी हुकूमत का खुद मुख्तार हाकिम और खलीफा होने का दावा यजीद पलीद ने कर दिया था। यजीद चूंकि एक फासिक व फाजिर, जालिम व जाबिर, शराबी व कबाबी शख्स था, और इस्लाम में कतअन ऐसे लोगों की क़यादत, लीडरशिप या खिलाफत तस्लीम नहीं की जाती। जाहिर है उस दौर में एक हुकूमत वक्त के खिलाफ, जालिम जाबिर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना ही नहीं, बल्कि उनके साथ मुकाबला आराई करना आम लोगों के बात बस की बात नहीं थी। उस अजीम फरीजा को अंजाम देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा अली मुर्तजा के जिगर के टुकड़े, हजरत फातिमा ज़हरा के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, और आपने बबांगे दोहल ये ऐलान फरमाया कि यजीद चूंकि फासिक को फाजिर है, जालिम है, और यकीनन इस्लाम की बागडोर, इस्लाम की क़यादत ऐसे शख्स के हाथ में हरगिज नहीं दी जाएगी। नतीजतन ये हुआ कि इमाम हुसैन और आपके रफ़का और अहले बैत को करबला के तपते हुए सहरा पे 3 दिन भूखा प्यासे रखकर आपको शहीद कर दिया गया। तो करबला का पैगाम यह है कि बातिल के मुकाबले में
हक का ऐलान करना। जब वो इस्तेबदाद के मुकाबले में अदल इंसाफ की बालादस्ती, जहालत के मुकाबले में इल्म की रोशनी और बातिल के मुकाबले में हक की आवाज को बुलंद करने का नाम ही पैगाम करबला है, और उसी पैगाम को आम करना ही करबला मनाना है, और उसी मकसद के खातिर पूरी दुनिया के मुसलमान आज के दिन को बातिल के मुकाबले हक की फतह और नुसरत के तौर पर मनाते हैं। पर हमारा भी पैगाम वही है, अहले बैत की मोहब्बत पैगंबर अकरम और आपके ना आपके पैगाम और इस्लाम के असल पैगाम को शराब के खिलाफ है, जुआ के खिलाफ है, नशा के खिलाफ है, जबर इस्तेमाल और जुल्म ज़्यादती के खिलाफ है, उसके खिलाफ यकीनन आवाज उठाना ही करबला का पैगाम है। और उसी को कहा है किसी ने कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज दसवीं है और दसवीं आज मैं निकाल रहा है, 6 बजे निकाल के बाद में इधर गणपति गली से होके जुमा मस्जिद तक आ रहा है, और नीचे शीतल होटल पर जाके जुन्ना चौक पास हमारा ये फंक्शन है। अल्ताज़े अल-फ़र एसोसिएट के जानिब से ये ताबूत बिठाया जाता है हर साल की तरह, क्या इस बार भी इसके प्रेसिडेंट अमानुल्लाह पठान है, वाइस प्रेसिडेंट दस्किर साहब नरगल है, सेक्रेटरी रहमतुल्ला पठान है, जॉइंट सेक्रेटरी परवेज मिश्री कुटी है, और कैशियर बादशाह पठान है, इसी तरह मैनेजिंग डायरेक्टर फयाज पीर खान है, झंडा चौक बेलगाम। जिम्बो मार्केट से के चालू होकर यह हमारा क्या प्रोसीजर, इधर से गली से होकर खड़े बाजार के उधर पे एक घंटा भर हम रुकते हैं, और रुक कर वहाँ के पंचायत से मुलाकात कर आज़ाद गली से होकर पीपल कट्टा वहाँ पे एक घंटे का फंक्शन होता है, वहाँ से सीधा बस स्टैंड। ताजिया कमेटी झंडा चौक भाजी मार्केट बेलगावी हर साल करते हैं क्या, और सो ये इसका भी करते हैं, शरबत है, जर्दा ये सब करते हैं हर साल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम KSRTC मुस्लिम वर्कर्स एसोसिएशन और माइनॉरिटीज़ वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी जर्दे की गाड़ी काढ़े हैं, और यही पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ के लिए लड़े और शहीद हुए, इसी तरह से उन्होंने कभी ना हक के
सामने सर नहीं झुकाया, इसीलिए हम भी यही कोशिश करना है कि हक के लिए लड़े, हक के साथ में रहें, हमेशा सच बोले। और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि हमेशा सच बोले और हक के साथ में रहे। और KSRTC गाड़ी काटने का हमारा जो जर्दे की गाड़ी काटने का जो हमारा उद्देश्य है, यही है कि सभी लोगों में भाईचारगी और मोहब्बत के साथ में हम सब इस शहर बेलगाव में अमन और सुकून के साथ में मिलजुल कर रहे। आज हम बहुत से लोगों को हमारे बसों में सफ़र के लिए हमारे लोग बसों में आते हैं लोग, तो हम उनके साथ में मोहब्बत के साथ में अमन के साथ में हम उनके साथ में रवैया रखते हैं। इसीलिए हमारी KSRTC डिपार्टमेंट जो है कई सालों से बहुत ही बुलंदी से और बहुत ही अमन और सुकून के साथ में चल रही है। मैं तमाम बेलगाम रहवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जब भी बस में आए और ड्राइवर कंडक्टरों के साथ में, और ये आप लोगों का ट्रांसपोर्ट है, ये आप लोगों की बसेस है, ये इसको साफ रखें और इसके अंदर जो है आप सुरक्षित प्रवास करें। इतना कहकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रहा हूँ।